जैसे कि डिम्पी कह रहे हैं कि तेजी वाले भी अपना हठ दिखा रहे हैं बाजार में, मंदी वाले भी हठ दिखा रहे हैं। जीत किसकी होगी? और जो सबसे प्रमुख सवाल है जो दर्शक सुनना चाह रहे होंगे कि अभी करना क्या है। अब चूंकि 500 से 800 के रेंज की हमने बातचीत की थी, 800 भी हमने देखा, 500 भी अब ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं। क्या 500 के पास लेने की सोचना चाहिए या फिर थोड़ा सा और नीचे आने दे तो कंफर्ट बढ़ जाएगा? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में एक रेंज बाउंड ट्रेड सेटअप बना हुआ है, हमें लगता है यस 21,500 के आसपास अगर स्पॉट पे भाव आते तो वो एक लेने का लेवल होगा। वापस से वहां पे आप री एंटर कर सकते हैं अगर आपने हायर साइड पे प्रॉफिट टेक किया है, बुक किया है तो। कुछ समय के लिए हमें लगता है 21,800 एक मेजर सप्लाई जोन जैसा ही काम करेगा, क्योंकि कॉल राइटर्स वो स्ट्राइक्स पे अपनी पोजीशंस बनाए हुए हैं, जो कि क्लियर दिखाता है कि एक सप्लाई जोन यहाँ पे इंटैक्ट है और वहीं से वापस प्रेशर मार्केट में बनते हुए दिखा। तो 21,500 21,800 की ही रेंज हमें लगता है कुछ समय के लिए रहेगी मार्केट में। बट ये जो गिरावट मिली है, हमें लगता है और 40-50 पॉइंट यहाँ से करेक्ट होता है आज या अगले सेशन में, तो वो एक वापस अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। क्योंकि अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे हमें लगता है 21,500 के लेवल को मार्केट होल्ड आउट करते हुए दिखेगा और हम एक महत्वपूर्ण इवेंट की तरफ भी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये एक वापस अपॉर्चुनिटी दे रहा है मार्केट आपको डिप्स में बाय करने की। बैंक निफ्टी में जरूर थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कमजोर हुआ है, जहाँ पे 45,500 के लेवल को बैंक निफ्टी क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है और उसके नीचे ही कंटिन्यूस बेसिस पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे जरूर एक ध्यान रखना होगा, अगर 45,500 को अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में वापस से हम क्लोजिंग बेसिस पे रिगेन नहीं करते तो हमें लगता है यहाँ एक सप्लाई बनते हुए दिख सकता है, जो कि बैंक निफ्टी को फिर 45,000 इवन 45,000 के नीचे भी पुश करते हुए दिख सकता है। तो 45,500 मेजर हर्डल है स्पॉट पे और डाउन साइड में 45,000 सपोर्ट है अगर। लेकिन स्ट्रक्चर देख के लगता है कि 45,000 टूटने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा लग रही है बैंक निफ्टी में, जिसके चलते हो सकता है कि निफ्टी पे भी थोड़ा प्रेशर बने। तो स्टॉप लॉस को जरूर यहाँ पे फॉलो करना होगा इस मार्केट में। 21,500 आपके स्टॉप लॉस होंगे लॉन्ग साइड के ट्रेड जो भी आपके ओपन है, और बैंक निफ्टी में 45,000। 21,500, 45,000, ये दो लेवल्स आप दोनों इंडेक्स के लिए ध्यान दीजिए। 21,500 के आसपास आपको निफ्टी में बाइंग के मौके भी मिल सके। आपकी कॉल्स। तो अभिषेक जी, पहला स्टॉक पावर क्षेत्र से होगा, उसमें टाटा पावर हमें पसंद आ रहा है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर ओवरऑल बने हुए टाटा पावर में, यहाँ पे हमें लगता है कंटिन्यूटी रहेगी तेजी की। अपसाइड के टारगेट हम 398 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 378 का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो इंडियन बैंक, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक में देखा है हमने पिछले कई हफ्तों महीनों में। और जिस तरीके से स्टॉक में एक ब्रीफ कंसोलिडेशन के बाद वापस वीकली चार्ट पे एक देखे तो एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। हमें लगता है 515 के टारगेट के लिए इसको बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा वो करीब होगा 486 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करने का है वो हिंद कॉपर का। स्टॉक में जिस तरीके के फॉर्मेशन बने, ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम अगले एक या दो ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिल सकता है। 296 तक के अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इस ट्रेड को इनिशिएट करने का 281 के आसपास। ठीक है, तीन शेयर राजेश जी की तरफ से और तीनों के तीनों ये बाय कॉल। अगर हम वेटेज वाले अगर हम बड़े शेयरों की बात करें, एचडीएफसी बैंक की अगर, तो एचडीएफसी बैंक पर भी प्रेशर है। ये भी दिन के निचले स्तर पर है, 1% के आसपास गिरावट हमें एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिल रही है। आईसीआईसी बैंक वेटेज के लिहाज से ये भी है, हालांकि बहुत ही थिन गेंस हैं आईसीआईसी बैंक के शेयर में। और इसके अलावा एसबीआई हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हल्की सी बढ़त पर, करीब करीब 0.5% के आसपास की बढ़त पर यहाँ पर कारोबार हो रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बजाज फाइनेंस आज निफ्टी का टॉप लूजर है। राजेश जी, नंबर्स थोड़े से कमजोर है एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर, हालांकि कुछ कुछ चीजें ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन बहुत ही स्ट्रांग है और ब्रोकरेज हाउसेज अभी भी इस पर काफी बुलिश हैं। जेफरीज ने टारगेट थोड़ा सा ही कम किया, 9,400 का दिया है, 25-30 रुपए कम किए हैं टारगेट में सिर्फ। क्या आपको लगता है कि कॉन्ट्रा बाइंग का मौका बन सकता है बजाज फाइनेंस में? अभिषेक जी, देखिए काफी समय से अगर स्टॉक को देखें तो एक अंडर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो इस सेगमेंट में देखने को मिला इस स्टॉक में। और जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर बने, अब 200 दिन के मूविंग एवरेज के भी नीचे फिसलते हुए दिख रहा है, डिसाइसिव ब्रेकडाउन होते हुए दिखा है स्टॉक में।
हमें लगता है थोड़ा और अभी वेट करना चाहिए जिस तरीके के ओवरऑल स्ट्रक्चर बने। स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग लो को भी तोड़ा है, जो कि नवंबर 2023 के लो बने थे, उसको भी अब ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे और प्रेशर बनते हुए देखने को मिल सकता है नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। जब तक ये स्टॉक वापस 7,000 के लेवल को रिगेन नहीं करता है, छोटे मोटे उछाल में यहाँ पे वापस सप्लाई प्रेशर ही बनते हुए दिखेगा। डाउनसाइड में हो सकता है ये स्टॉक में हमें 6,550 तक के डाउनसाइड के लेवल भी यहाँ पे आते हुए दिखे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। तो 7,000 के नीचे जब तक है व्यू हमारा बिकवाली का ही रहेगा स्टॉक। नीचे बिकवाली का ही व्यू है, उसके ऊपर जाए तो ही खरीदारी के बारे में आपको सोचनी है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा अब वीक लग रहा है बजाज फाइनेंस का, और वैसे भी तकरीबन 900 रुपये के आसपास की एक तरफा फॉल है अगर हम सिर्फ जनवरी की बात कर लें। ऊपरी स्तरों से अब 6,800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। आपकी तरफ से कोई BTST STBT? डीपी जी, हमें लगता है PSU बैंक में स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो वहाँ पे PNB पे फोकस रखना चाहिए। PNB में ऑलरेडी अगर हम देखें तो एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक में 105 रुपए के ऊपर अब कंटिन्यूस बेसिस पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि एक मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 115 से लेके 118 तक के अपसाइड के टारगेट के लिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से PNB पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें करीब 106 रुपए 50 पैसे का। और दूसरा स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है ऑयल एंड गैस सेगमेंट में, और उसमें हमें लगता है कि यहाँ पे BPCL को बाय किया जा सकता है। एक अच्छी कंटिन्यूटी बनी हुई है, पूरे ही सेक्टर एक अच्छा तेजी में बना हुआ है, तो BPCL पे यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। 496 का स्टॉप लॉस और अपसाइड का टारगेट होना चाहिए करीब 515 तक। जरा स्पीड से कुछ शेयर एक बार और पता कर लेता हूँ। ये वो डाटा है सर, आप 14 और 19 वाले को चेक कीजिए। उस दिन अगले दिन की चाल कितनी रहती है? आधा परसेंट और कुछ भी नहीं होता। हाँ, एक हफ्ते बाद और एक हफ्ते पहले भी क्या होता है मार्केट के अंदर? कुछ नहीं होता। 14 और 19 को चेक करो, आपको आइडिया लग जाएगा। और इस सरकार का मैं एक और चीज थोड़ा क्लियर कर दूं, थोड़ा ना डायनेमिक गवर्नमेंट है ये। एक्चुअली क्या ना, बजट की तो वेट ही नहीं करती है, इनको जो अनाउंस करना है बजट से पहले करना है। अभी राम मंदिर पे गए तो सोलर की अनाउंसमेंट तो बजट में भी हो सकती थी, लेकिन अगले दिन मोदी जी ने कह दिया कि 1 करोड़ सोलर पैनल लगेंगे जी छतों पे। अगले दिन से SW सोलर नीचे ही नहीं आ रहा। दिखाओ जरा SW सोलर को, वो तो नीचे ही नहीं आ रहा उस दिन के नाम से। तो आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना, पकड़ना थीम पकड़नी पड़ेगी, इवेंट को थोड़ा डिस्काउंट भी करना पड़ेगा, हर चीज़ को दिमाग से थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़े, जल्दी जल्दी कुछ सर से शेयर पता कर लेते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, राजेश सर एक बार ज़रा चेक करना, स्ट्रक्चर तो कह रहा है चलना चाहिए, क्या करें? क्रॉम्पटन ग्रीव्स तो काफी समय से डिम्पी जी ये स्टॉक में कंटिन्यूटी तो बनी हुई है अप ट्रेंड की, लेकिन पिछले 2-3 हफ्तों में देखा एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आया है स्टॉक में। स्टॉक अपने एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है, जो कि है इसका करीब 290-91 के आसपास। अगर ये 291 को होल्ड करता है तो यहाँ से पुल बैक का ट्रेड बनेगा। तो 290-91 एक इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया क्रॉम्पटन का। यहाँ पे अगर ये होल्ड आउट करने में कामयाब रहता तो एक पुल बैक के ट्रेड के लिए यहाँ पे एक चांस लिया जा सकता है। हालांकि स्टॉक में जिस तरीके से नियर टर्म सेटअप बना हुआ है, ये काफी क्रिटिकल लेवल, अगर वो लेवल नहीं होल्ड आउट होता है तो हमें लगता है कि फर्दर और प्रॉफिट टेकिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। बट शॉर्ट टू मीडियम टर्म परस्पेक्टिव से देखें तो हमें लगता है देर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक यहाँ पे पुल बैक का ट्रेड के लिए जगह बनते हुए दिख रही है। स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट रखना होगा वहाँ पे 288 के आसपास। ठीक है, 288 रुपये का स्टॉप लॉस।